रियूनियन आईएएस में सभी लोगों का स्वागत है। 2019 की जो नेट जीआरएफ की परीक्षा हुई थी उसमें सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यासागर जी को बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। दिल्ली में जो पीजीटी का एग्जाम होता है, लेक्चर का एग्जाम होता है, उसकी परीक्षा भी पास कर चुके हैं, वर्तमान में पीएचडी कर रहे हैं और आईएएस की तैयारी भी कर रहे हैं। पिछले वर्षों में सिलेबस में काफ़ी बदलाव आया है। यूपी, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इस तरह के जो राज्य हैं उन राज्यों में जो पीजीटी लेक्चर का एग्जाम हो रहा है उसमें नेट जीआरएफ का ही सिलेबस पूछा जा रहा है। और आप जानते हैं कि नेट जीआरएफ का जो सिलेबस है 2019 में चेंज हुआ है और उस मिलता जुलता सिलेबस ही अधिकांश राज्यों में जो है लेक्चर के एग्जाम के लिए जो है बनाया जा रहा है। तो संस्थान राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाने के साथ साथ संपूर्ण नोट्स, जितने भी 10 यूनिट हैं नेट जीआरएफ पर, सबका अलग से नोट्स प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराता है। और आप लोग यूट्यूब चैनल जो हम लोग का है रीयूनियन आईएएस, उस पर जाकर डेमो क्लास देख सकते हैं और दिए गए फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हम लोग विद्यासागर जी से रणनीति जानने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विद्यासागर शर्मा है और ये वीडियो मैं रियूनियन आईएएस एकेडमी के लिए बना रहा हूँ। एक तरीके का ये एक छोटा सा है मोटिवेशनल और एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है स्पेशली नेट जीआरएफ के लिए। तो मैं नेट जीआरएफ के बारे में चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं रियूनियन आईएएस एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर वी के त्रिपाठी सर, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में मैंने नेट जीआरएफ की तैयारी की है। और मैंने पिछले साल 2019 में नेट जीआरएफ पॉलिटिकल साइंस में मैंने क्वालिफाई किया 70% अंकों के साथ, जो कि हाईएस्ट स्कोर था। तो सबसे पहले वीके त्रिपाठी सर को बहुत बहुत शुक्रिया और यूनियन आईएएस के पूरी टीम को शुक्रिया कि आप एक बहुत बेहतर गाइडेंस प्रोग्राम चला रहे हैं, खासकर सिविल सेवाओं के लिए और नेट जीआरएफ के एग्ज़ाम के लिए भी। तो जो भी मेरे दोस्त, मेरे साथी जो तैयारी कर रहे हैं नेट जीआरएफ का, उनके लिए मैं 2-3 बात ही बेहद जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपसे साझा करूंगा कि एग्ज़ाम में क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। तो दरअसल अगर हम एग्ज़ाम के पूरे पैटर्न को देखें तो पिछले साल से एग्ज़ाम का सिलेबस चेंज हुआ है, बहुत सारी कुछ नई चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे नए थिंकर्स, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं। तो किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन का जो सबसे पहला जो प्राइमरी जो स्टेप है और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि आप एग्ज़ाम के सिलेबस को सबसे पहले प्रिंट आउट करके अपने पास रखें। यानी एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, जो नया वाला अपडेटेड सिलेबस है, उसका प्रिंट आउट लेके आप अपने सामने रखें, अपने स्टडी टेबल पर रखें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम रीडिंग करते हैं या जब हम अपने सिलेबस को पढ़ना शुरू करते हैं तो हम बहुत भटकाव हो जाता है और अब जो चीज़ें ज़रूरी नहीं होती हैं उसको भी हम पढ़ने लगते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका वक्त भी जाया होता है और आपकी ऊर्जा भी बेकार जाती है। तो सबसे पहला जो काम करना है आपको कि आप जो नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, हिंदी इंग्लिश मीडियम जो भी है, उसको आप प्रिंट आउट ले लें और उसको आप अपने स्टडी टेबल पे सबसे सामने, पहले मतलब स्टडी टेबल पे वो सिलेबस आपके होना चाहिए। तो स्टडी टेबल पे अपना सिलेबस रखें वो नेट जीआरएफ का, फिर आप स्टडी को अपना रिज्यूम करें, शुरू करें। तो बेसिक 3-4 पॉइंट मैं इंपॉर्टेंट जो है बताना चाहूँगा, क्योंकि नेट जीआरएफ का जो पिछले 2-3 सालों से आप रिकॉर्ड देखेंगे तो कट ऑफ जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और ये अक्रॉस एग्जामिनेशन के ये हालत है। यानी सारे एग्जाम में कट ऑफ जो है हर एक साल बढ़ता ही जा रहा है, गिरने का मतलब संभावना नहीं है उसमें। तो आप अपने जो आपका पढ़ने का तरीका है, जो आपका रीडिंग स्टाइल है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी आपको रिविजिट करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि हम क्या करें कि जो एग्जाम का नेचर है उसको हम समझेंगे, उसका डायनेमिक्स क्या है, एग्जाम का स्वरूप क्या है। तो सबसे पहले एग्जाम के डायनेमिक्स को समझेंगे हम और कोशिश करिए सिलेबस के थ्रू पहले एग्जाम को समझिए। प्रीवियस ईयर का पेपर जो है, खासकर रियूनियन आईएएस एकेडमी के जो मटेरियल्स हैं उसमें आपको पिछले साल के जो प्रश्न पत्र हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो आप उसको भी ले लें, सर के जाके संस्थान से ले लें आप, और चूंकि वो खासकर जो उनके सर के जो क्लास नोट्स हैं और जो लेक्चर्स हैं, जो यूट्यूब लेक्चर्स वगैरह भी जो हैं सर के, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बहुत ज़्यादा आप वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, खासकर एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं।
क्योंकि बहुत सारे मार्केट में कोचिंग संस्थान नेट जा रहे और यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के क्लासेस करा रहे हैं, लेकिन मैं आपको ऑनेस्ट बताता हूँ, बींग एक स्टूडेंट बींग रिसर्च स्कॉलर, मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि जो सर के द्वारा जो डिजाइन किया हुआ जो कोर्स है और जो कॉन्टेंट है उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, कोई विकल्प नहीं है। तो आप सर का जो कंटेंट है उस पर पूरी तरह फोकस करें, क्योंकि वो डाइवर्स सोर्स, बहुत सारे सोर्स को स्टडी करके एक रिसर्च टीम के द्वारा उस नोट्स को प्रिपेयर किया गया है। तो उसमें आपको अलग से कुछ अगर टेक्स्ट बुक पढ़ना हो तो आप रेफरेंस के लिए, बाकी टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, आप पढ़ सकते हैं और आप उसको खरीद सकते हैं। लेकिन आपका पूरा फोकस होना चाहिए जो सर ने स्टडी मटेरियल दिया है, जो सर के जो लेक्चर्स हैं, क्लास लेक्चर्स हैं, क्लास नोट्स हैं, उस पर आप बिल्कुल फोकस करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस नोट्स को पढ़ने के साथ साथ आप अपने भी कुछ नोट्स बनाएं ताकि एग्जाम के टाइम पे रिविजन में आपको फायदा हो। अब आते हैं हम एग्जाम के लिए क्या करना है। तो एग्जाम का सबसे पहला दो चीज इंपॉर्टेंट है, वो समझना जरूरी है। पहला पेपर वन जो है, जिसमें जो जनरल एप्टीट्यूड का पेपर है, जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड ये सब की जो क्वेश्चन होते हैं, तो ये पेपर ही सबसे बड़ा डिसिसिव होता है, यानी डिसाइड करता है आपको कि आपका जेआरएफ होगा या नहीं होगा। चूंकि लगातार हर एक साल जेआरएफ की सीटें घटती जा रही हैं और जेआरएफ का कट ऑफ जो बढ़ता जा रहा है, तो अगर आप एक सिक्योर कट ऑफ तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको मोर देन 65 और 70 तक स्कोर करना पड़ेगा। तो जब मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया 2019 में, तो 20% आई स्कोर 20% इन ईच पेपर। सो उसके लिए आप बेसिकली दो तीन चीज फॉलो करेंगे। पहला चीज फॉलो ये करेंगे आप कि पेपर वन के लिए पर्टिकुलरली बोलूँ मैं, तो पेपर वन रिसर्च एप्टीट्यूड वगैरह, टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह है, तो कोई एक या तो सर के द्वारा भी बहुत सारे नोट्स अवेलेबल कराए गए हैं, या सर के द्वारा सर ने भी खुद के कई सारे रिसर्च एप्टीट्यूड वगैरह के उनके प्रिंटेड नोट्स हैं और सर के हैंड रिटन नोट्स हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। और केवीएस मदान की किताब है, केवीएस मदान की किताब जो है उसको आप ले लें और उससे आप रिसर्च एप्टीट्यूड वगैरह को आप जो पेपर वन है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल किताब है वो, तो उस पर फोकस करें। पेपर वन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रैक्टिस का। पेपर वन के लिए सबसे जरूरी कि आप प्रीवियस जो पेपर्स हैं उनको प्रैक्टिस करें, बहुत प्रैक्टिस करें, क्योंकि हर एक साल जो क्वेश्चंस होते हैं कहीं ना कहीं उनका रिपीटिशन होता है, क्योंकि नए सवाल कितने होंगे, सवाल तो कॉन्सेप्ट तो वही होते हैं जो ऑलरेडी पिछले 5 साल 10 साल में थे, कॉन्सेप्ट सेम है, क्वेश्चन पूछने के तरीके थोड़े बहुत बदल जाते हैं। तो आप पेपर वन के लिए जो आपका डीएमएच की जो केवीएस मदान की किताब है और सर के जो नोट्स हैं उस पर आप फोकस करिए, प्रीवियस पेपर्स को बिल्कुल लगाना मत भूलिए। अब मैं आऊँगा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है आपका ऑप्शनल पेपर का, यानी आपका जो सब्जेक्ट है जो कि पॉलिटिकल साइंस है। तो पॉलिटिकल साइंस का देखिएगा तो पिछले 2-3 सालों से देखिएगा तो थोड़ा सा स्वरूप बदला है। स्वरूप ये बदला है कि वो ज़्यादा परंपरागत जाके सवालों को नहीं पूछ रहा है कि अरस्तु का कथन ये है, सुकरात का कथन ये है, मैकियावेली ने ये कहा, या व्यवहारवाद का ये बात है, उत्तर व्यवहारवाद का ये बात है। तो वो थोड़ा बहुत अपना डायनेमिक्स बदला है, वो क्या कर रहा है, मतलब जो यूजीसी है जो एनटीए एग्जाम ले रहा है, तो उसमें आप उसका एक जो थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच ये है कि वो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म जो है, पोस्ट मॉडर्निज्म हुआ, उसके बाद जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स हो रहे हैं, सिविल सोसाइटी के जो मूवमेंट्स हैं, न्यू जो सोशल मूवमेंट्स हो रहे हैं, इन पे फोकस है। तो आप कहीं ना कहीं जब ट्रेडिशनल अप्रोच को पढ़ें तो उसके साथ उनका जो मॉडर्न रेलेवेंस क्या, कंटेम्पररी टाइम में, समकालीन समय में उसका क्या रेलेवेंस है, उस पे आप जरूर उसको रिलेट करें, क्योंकि वो क्वेश्चन को लिंक करके पूछ रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे नहीं हो रहे कि स्ट्रेट सवाल आ रहे हैं और आपको टिक लगाना है, नहीं ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चन का स्वरूप बदला है, इसलिए आप अपने थोड़े रीडिंग मेथड को भी थोड़ा सा चेंज करिए, जो जो ट्रेडिशनल थियोरीज वगैरह हैं थियोरीज पे फोकस करिए। थियरीज के लिए जो भी पॉलिटिकल साइंस के जो जितने पूरा सिलेबस अगर आप देखेंगे तो पूरे सिलेबस में जो खास ऊपर के जो ट्रेडिशनल एरियाज जो हैं पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट वगैरह के, थियरीज वगैरह के, तो उनको आप थियोरेटिकल इन डेप्थ में थोड़ा पढ़ें, उनके शॉर्ट नोट्स खुद से बनाएं, सर के जो नोट्स हैं उसको आप रेफरेंस में लें, सर के जो क्लास लेक्चर्स हैं उनको बिल्कुल मिस ना करें, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड लेक्चर्स होते हैं और सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंसाइट्स उसमें होते हैं आपको एग्जाम के लिए। एग्जाम ओरिएंटेड सारे लेक्चर्स हैं, सारे क्लासेज हैं, तो कोई क्लास मिस ना करें अगर आप रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं तो। अगर नहीं कर रहे हैं तो सर के कोचिंग के जो मटेरियल हैं जो खासकर डिज़ाइन किया गया स्पेसिफिकली फोकस करके, मैंने स्पेशली मैंने नेट जेआरएफ के लिए सर के नोट्स को पढ़ा है मैं, तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। थर्ड जो मैं बात आपसे कहूँगा कि ज़्यादा परेशान ना हो, जेआरएफ की सीटें घट रही हैं बट आपको पोटेंशियल और अपना जो
आप बना के रखेंगे, जो आपका पूरा एनर्जी है उसको सही डायरेक्शन यूज करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट दिस। जेआरएफ एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि एक आप अगर आप रिसर्च आगे परस्यू करना चाहते हैं करियर में, जैसे मैंने जेएनयू से मास्टर्स किया है और अभी मैंने हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने अपना एमफिल सबमिट किया है, अभी मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूँ। तो आप बिल्कुल रिसर्च में अच्छा स्कोप है, टीचिंग में अच्छा स्कोप है, तो टीचिंग के लिए और रिसर्च में अगर आप आना चाहते हैं तो जेआरएफ के बिना रिसर्च बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाती है जब आपके पास जेआरएफ हो जाता है। और अभी जेआरएफ में एक अच्छा डिसेंट अमाउंट आपको गवर्नमेंट दे रही है, 40,000 अराउंड 40,000 मिलता है, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा अमाउंट है कि जो आप चाहें तो जेआरएफ क्वालिफाई करके रिसर्च में इन्वॉल्व होकर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर सकते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी रहेंगे आप। तो जेआरएफ बहुत इंपॉर्टेंट है और जेआरएफ कठिन होता जा रहा है, तो सही मार्गदर्शन में सही विषय वस्तु को पढ़ें, ज़्यादा मटेरियल के चक्कर में ना पड़े कि आपकी ये भी पढ़ ले, ओपी गवाही पढ़ ले और ये पढ़ ले वो पढ़ ले, जितने भी ब्रायन नेल्सन किताबें हैं, तमाम किताबें, मैं सैकड़ों किताबों के नाम गिना सकता हूँ, लेकिन उन पर बिल्कुल आप फोकस नहीं करना, क्योंकि एग्जाम का नेचर है कि बहुत लिमिटेड स्टडी करना है, बहुत लिमिटेड करना है, जो रिक्वायरमेंट एग्जाम की वही पढ़ना है, कचरा बिल्कुल नहीं पढ़ना है, मार्केट में कचरा ज़्यादा को मिल रहा है, तो आप बिल्कुल भटकाव में ना आए। कोर्स जो रियूनियन के मटेरियल्स हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस अगर आप उस सारे मटेरियल्स को आप अच्छे से पढ़ते हैं, थॉरली पढ़ते हैं, अच्छे से उसका आप एक अपना शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर, डोंट फॉरगेट प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रोज 2 घंटा अगर थियरी पढ़ रहे हैं तो कम से कम 1.5 घंटा या मोर देन 1.5 आवर आप प्रैक्टिस भी दीजिए, क्योंकि एग्जाम की टाइमिंग कम होती जा रही है, दोनों पेपर एक साथ स्क्रीन पे आएगा आपके, तो आप टाइमिंग का भी बहुत बड़ा मसला होता है। तो एग्जाम एक पूरी स्ट्रैटेजी है और आप स्मार्ट नहीं बनेंगे तो फिर आप एग्जाम के इस रेस से बाहर हो जाएंगे। तो इतना ही कहना चाहूँगा और यूनियन आईएएस एकेडमी को मैं फिर से थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपने सर के जो का जो कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस प्रोग्राम है उसने मुझे बहुत हेल्प किया है जेआरएफ के लिए, तभी मैं 70% स्कोर कर सका जो कि बहुत अच्छा स्कोर है, मतलब 99.96% स्कोर था, इट वॉज द वन ऑफ द हाइएस्ट स्कोर आई मीन एवर इन पोलिटिकल साइंस। सो आई वुड से कि माई बेस्ट विशेज टू ऑल ऑफ यू, जो भी लोग तैयारी करें उनको, रीवन आई एस अकेडमी की पूरी टीम को, और स्पेशल थैंक्स टू बी के त्रिपाठी सर आपके गाइडेंस के लिए और आपके मोटिवेशन के लिए, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।